हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुशी ई एजुकेशन। आज जो हम एक्टिविटी सीखने वाले हैं उसका नाम है स्टॉकिंग फ्लावर। स्टॉकिंग फ्लावर बनाने के लिए जो मटेरियल हम यूज करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट ये स्टॉकिंग फैब्रिक, सिंपल थ्रेड, ग्रीन टेप, गोल्डन वायर, सीजर और ये पॉलिन। और फ्लावर बनाने के लिए हमको जो मेजरमेंट चाहिए वो हम अपने साइज पे डिपेंड करते हैं कि हमको कौन से साइज का फ्लावर बनाना है। तो मेजरमेंट के लिए हम छोटी बॉटल का भी यूज कर सकते हैं और ये बड़ी बॉटल, आपके पास जो भी होगा सर्कल शेप में आप वो ले सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बस गोल्डन वायर लेना है और ये वाले बॉटल का, ये बॉटल के शेप का हम फ्लावर बनाएंगे। तो इसको यू राउंड करना है और इस तरह से इसको सर्कल करके एकदम टाइटली मोड़ना है ताकि ये फूले ना। एकदम अच्छे से इसको मोड़ कर और फिर यहाँ पर हम इसको सीजर की हेल्प से कट कर देंगे। इस तरह से फिर इसको निकाल के ये सर्कल बनेगा। इस तरह से हमें 5 सर्कल बनाने हैं। ये 5 सर्कल मैंने बनाए। अब इसको हम लोग स्टॉकिंग फैब्रिक इस पे हम कवर करेंगे। तो ये स्टॉकिंग फैब्रिक लिए, इसका ये ऐसे होता है, तो इसको ये अंदर का एरिया इस तरह से ओपन करना है और ये सर्कल लेना है और इसको अंदर की तरफ रख के और इस तरह से इसको पूरा अच्छी तरह से कवर करना है। इसको जिस तरह हम नेट है होता है ना, उसी तरह नेट की तरह इसको खींच के एकदम अच्छे से एकदम खींचना है इस तरह से। इसको थोड़ा अंदर की तरफ करके पीछे से एकदम अच्छे से एकदम बारीक ताकि ये जाली जैसा पूरा दिखे। और फिर थ्रेड की हेल्प से इसको हम लपेट के बांध देंगे। एकदम टाइट बांधना है ताकि ये फैब्रिक यहाँ से निकले ना। ये इस तरह से यहाँ पे इसको पॉइंट पे 2-3 बार अच्छे से एकदम टाइट लपेट कर और एक अच्छी टाइट गार्ड बांध कर इसको तरह से हमें 5 सर्कल को कवर कर लेना और ये फैब्रिक को यहाँ से कट करके निकाल देना। इस तरह से ये मैंने 5 सर्कल को फैब्रिक से पूरा अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अभी इसको हम फ्लावर के शेप में लगाएंगे। तो ये जो पॉलन है कुछ हमें ऐसे लेने हैं, इसको अच्छी तरीके से बराबर करके और इसको हाफ इसमें फोल्ड कर लेना है दोनों तरफ। ये मोती को दोनों तरफ करके जो थ्रेड वाला पार्ट है ना उसके वो पॉइंट पकड़ के और इसको ऐसे हाफ इसमें फोल्ड कर लेना है। और ये एक लेना है फ्लावर और इसके ऊपर रखना है, जहाँ आपने ये बांधा है ना वहीं पर रखना है और थ्रेड की हेल्प से इसको हमें बांधना है। और हमें धागा तोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से टाइट बांध कर हर बार 2 बार इसको कवर बंधा कर और एक अच्छी टाइट गार्ड लगा के ये हमने इस तरह से बांध लिए। फिर जो भी जो एक्स्ट्रा हमने 4 बनाए हैं ना उसको इसके हाफ हाफ सर्कल पे हम कवर करेंगे। यहाँ इसके हम आधे पार्ट पे रखेंगे और ये जो गार्ड है ना हमने जो गार्ड बनाया है ये ही पार्ट पे रखना है। तो इस तरह से हम रखें और इसको भी थ्रेड को तोड़ना नहीं है, इसको बस साथ में ही रखना है बांध कर और इसके हाफ पार्ट पे हम इसको लपेटेंगे। ये 2 बार लपेटे, इसी तरह बाकी के 4 तीनों भी अच्छे से हाफ हाफ पार्ट पे कवर कर लेंगे।
तरह से हाफ पार्ट में ही रखना है इसको। और जहां हमने थ्रेड बांधा है ना वो ही हिस्सा रखना है, ऊपर नीचे नहीं करना है। ये हुआ ये फिफ्थ वन, ये भी इसको रखकर इस तरह से, और ये हमारा पांचवा बनकर रेडी हो गया। ये हो गया, अब इसको थ्रेड तोड़ना है और ये इसको फ्लावर का हमें शेप दे देना है इस तरह से। ये फ्लावर का शेप, ये फ्लावर हमारा देखो पूरा बांध के इस तरह से रेडी हो चुका है। ये जो आपको दिख रहा है हमने थ्रेड बांधा है, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो हम चाहिए तो इसको कट करके भी निकाल सकते हैं। नहीं तो हम ये ग्रीन टेप है ना उसकी हेल्प से इसको पूरा हम लपेट के अच्छे से कवर कर देंगे। तो स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे, जहाँ ये थ्रेड वगैरह दिख रहा है ना वहां से इसको अच्छे से यहाँ रखना है और एकदम टाइटली इसको लपेटना है। ग्रीन टेप है ना अंदर की तरफ है ना स्टिकी होता है, तो स्टिकी वाला ही पार्ट हमको वहां पे रखना है और इसको एकदम अच्छे से चार पांच बार अच्छी तरीके से लपेट के ये पूरा फैब्रिक और ये तार है उसको अच्छे से पूरा मोड़ के टाइट कवर कर देना है, ताकि ये हमारा थ्रेड वगैरह कुछ भी ना दिखे इसमें। इस तरीके से इसको थोड़ा क्रॉस अगर हम फोल्ड करेंगे ना तो अच्छे से स्टिक होगा और तार पे अच्छे से चिपक भी जाएगा। इस तरह से पूरा हमें क्रॉस इसको घुमाकर करना है। ये पूरा रेडी हो गया फ्लावर। और ये हम इसकी लीफ बनाने के लिए आर्टिफिशियल लीफ भी आती है इस तरह से, चाहिए तो हम मार्केट से लाके ये भी लगा सकते हैं, वरना हम जैसे ये फ्लावर बनाए हैं ना उसी चीज को, ये फैब्रिक बहुत से कलर में आता है, तो हम ग्रीन कलर का बना के उसको लीफ का यू ऐसे हम सर्कल ही बनाया हुआ है, बस इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे लीफ का शेप दिया हुआ है, ये हम बना के इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। ये हम बना सकते हैं, ये ऑप्शन है, अगर आप चाहिए तो ये आर्टिफिशियल भी लेके लगा सकते हैं। ये फैब्रिक रेडी हो गया, यहाँ पे मैंने बहुत से बनाए हुए हैं, ये देखो मैं इस तरीके का बंच बनाया हुआ है फ्लावर, दो तीन ऐसे बना के आप उसको साथ में इस तरह से लपेट देंगे तो ये पूरा बंच बनेगा। और ये इस तरीके से मैंने पॉट भी बनाया हुआ है, आप इस तरह से भी बना सकते हो। ये सब अलग अलग जिस तरह से बताया है मैंने उस तरह आप बनाकर इसको सिर्फ एक साथ में सिर्फ घुमा घुमा के इसको लपेट के बंच करके पूरा रेडी कर सकते हो। इस तरह से हमने फ्लावर बना के पूरा रेडी कर लिया है। आप लोग भी बनाकर अपने टीचर्स को गिफ्ट कर सकते हो, या किसी भी फेस्टिवल में आप बनाकर अपने पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नई एक्टिविटी सीखेंगे। थैंक यू।